जीस oh, क्राइट उसने हर एक उस बात को भी हमारे लिए दिया है कि हम एक जयवंत और एक आनंदित जीवन को प्रभु यीशु मसीह so के लिए जीने जी ने फॉर अस टू बिगिन बाय स्पेंडिंग अ फ्यू काम एंड क्वाइट साइलेंट मोमेंट्स With the Lord. और इसलिए ये अच्छा होगा कि आज के दिन की शुरुआत हम एकांत में परमेश्वर के वचन के मनन को सुनते हुए Let करें us hear his voice. और आइए हम उसकी वाणी को को इस मेडिटेशन आज डू विद मेकिंग ऑफ न्यू और का मनन है इस बारे में कि कैसे एक नई परमेश्वर दूसरा पांचवाध्याय सत्रशन यदि कोई भी प्रभु यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है सो द मेकिंग ऑफ अ न्यू क्रिएशन और इसलिए नई सृष्टि बन जाना हाउ डस इट हैपन ये नया सृष्टि बनना कैसे What होता are है द स्टेप्स फॉरवर्ड और इस चरण इसमें इस प्रक्रिया में कौन से चरण हैं इट बिगिंस विद द कन्विकशन ऑफ अ sin और इसकी शुरुआत होती है पाप के प्रति एक कायलता को And that कायलता को लेकर और हमें मजबूर करता है कि हम मन फिराएं। And uh, paves the way to और ये मन और फिराना हमें ले जाता है क्षमा की ओर फॉर और जब यह माफ करना होता है इन रेस्पॉन्स टू आवर Repentance, जब हम मन फिराते हैं, तब ये माफी मिलती है। uh, he, he cleanses us with his own blood। तब प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से हमें शुद्ध कर देता है। By washing with the blood of Jesus Christ। वो अपने लहू से हमें साफ कर देता है। This cleansing is the removal of everything which makes me unclean. और ये शुद्ध किया जाना इस बारे में है कि हर एक वो बात जो मुझे अशुद्ध करती है परमेश्वर मुझसे दूर कर देता है and these unclean things will make my character black and darker, repulsive.

And और एक ऐसा जिसका स्वभाव जो परमेश्वर के प्रति ग्रहण योग्य नहीं प्रोड्यूसिंग नेचर एंड कैरेक्टर जो एक के अंदर एक नर्ग के समान चरित्र को प्रस्तुत या बनाता है एंड अनिक्वली an हेलिश और उसी प्रकार से एक नर्ग की हसी को उसके भीतर लाता है एंड एन ऑल्सोअल लुक और ऐसे गलत रीति से देखना एन इंटेंशन और जो कि दुष्ट विचारों के साथ हो डोमिनेटेड बाई डीम जो कि शैतान दुष्ट आत्माओं के द्वारा चलाया जाता है प्रोड्यूसिंग ए डायबोलिकल एक्शन और जो कि शैतान की समान कार्य को करते का एक परिणाम स्वरूप दिखता है टेरर ऑफ डार्कनेस और जो अंधकार के भयानक बातों को या डर को लोगों के बीच फैलाता है दिस इज आवर लाइफ विदाउट होली गॉड और ये है हमारा जीवन एक पवित्र परमेश्वर जब उसमें उपस्थित ना हो लुक अराउंड आप अपने चारों ओर देखें exactly और ऐसे लोग जिनके में परमेश्वर का भय नहीं और वो स्वार्थी है लेकिन हर एक बात बदल जाती है जब एक मन फिराता है Jesus comes to stay. यीशु आता है रहने के लिए. And the, and 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 he be the Lord and King of my life and anyone's life who repents. और वो किसी के भी जीवन का स्वामी परमेश्वर प्रभु बन जाता है जो कोई भी मन फिराता है. With a new life. एक नए जीवन के साथ. The new nature. एक नए स्वभाव के साथ. With the new desire. एक नए इच्छा के साथ. Desire for what? किस बात की इच्छा डिसाइर फॉर होलीनेस और वो इच्छा है पवित्रता के लिए एंड डिस और एक पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए And that will produce in us और वो बातें हमारे अंदर उत्पन्न करेंगी न्यू हैबिट और नई आदतों को न्यू सॉन्ग और नए गीतों को न्यू फ्रेंड और नए मित्रों को न्यू फेलोशिप और नई uh, संगतियों को एंड न्यू लुक और नए दिखावे को न्यू रिलेशनशिप और नए रिश्तों को न्यू वॉक और एक नए चाल को अन न्यू फैमिली और सबसे बढ़कर एक नए परिवार को अनवर्ट इज दिस फैमिली कॉल और ये एक नया परिवार क्या कहलाता है चर्च और कहलाता है, है कलिसिया बिकम्स और ये एक हमारा नया परिवार बन जाता है and I am no my own अब मैं अपना खुद का स्वामी नहीं हूँ आई है न्यू मास्टर हमारे पास तो एक नया स्वामी है and I am his और मैं तो उसका सेवक हूँ रेडी एंड विलिंग टू सर्व तैयार हूँ कि और इच्छा है कि उसकी सेवा करूँ सर्व गॉड और परमेश्वर की सेवा करूँ मनुष्य की सेवा

और मैं तो उस मार्ग पर था जो मुझे मृत्यु की ओर लेकर चला now, लेकिन अब यू टर्न अब उस मन फिराने या मन परिवर्तन के द्वारा चेंज माई 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 रोड मैंने अपने मार्ग को बदला माई डायरेक्शन मेरी दिशा माई डेस्टिनेशन और मेरा मार्ग और मेरा जो अंतिम स्थान था उसे बदल दिया उस स्थान और उस मार्ग पर चलता हूँ जो जीवन की ओर जाता है and it is the highway to holiness। और ये वो बड़ी चौड़ी सड़क है जो स्वर्ग की हाईवे है।, है वो मार्ग है जो पवित्रता प्रेम और एकता की ओर ले जाता Faith है विश्वास और पवित्रता क्राइस्ट लाइकनेस और प्रभु येश मसीह की समानता मेकिंग मी टू बी लाइक जीसस क्राइस्ट और जो मुझे प्रभु यशु मसीह के समान बना देता है माई गोल इज वॉट मेरा अंतिम लक्ष्य क्या है माई गोल इज जीस मेरा लक्ष्य है प्रभु यशु मसीह एंड गॉड डिसाइड द बेस्ट Thing to happen to my life. और परमेश्वर तो अच्छ सबसे अच्छी और उत्तम बात को मेरे जीवन के लिए चाहता है और ये तब होता है जब मैं ये देखता face face. और उसके मुख के सामने Now, face face? और मैं को उसे आमने सामने देखूंगा और उस कलिसिया के उठाए जाएंगे और realize. वो समय बहुत निकट है और बहुत जल्द आ रहा है एंड when वी सी हिम फेस टू फेस जब हम उसे आमने सामने देखते हैं we shall बी changed into his image. तब हम उसके समान बन जाएंगे दैट इज गॉड्स प्लान और यही परमेश्वर का उद्देश्य है। और यही परमेश्वर की इच्छा है नैरो एंड स्ट्रेट ट लाइफ और याद रखिए बहुत सकरा और सीधा है वो मार्ग जो ऐसे जीवन की ओर ले जाता वीड्स टू दाईवे टू इटर्नल लेकिन ये उस चौड़े मार्ग की ओर हमें ले जाता है जो ए, जो अनंत का स्वर्ग या परमेश्वर की उपस्थित इटर्नल लाइफ विद ये शुभसी के साथ अनंत का जीवन नॉट ओनली सिम्पली लिविंग ना सिर्फ जीना बट आई बी रेनिंग विथ क्राइस्ट लेकिन ये मसीह के संग राज्य करते रहना

डिनाइ डों तिरस्कार हमें करना है उसको तिरस्कार करने में आप पीछे ना वट वी डिनाई जिस भी बात को आप ठुकराते हैं वो तो धूल इन वर्थ लेते हैं और वो कोई योग्य नहीं बट वट वी गेन इन द्लेस लेकिन उनके स्थान पर जो हम पाते हैं इज वर्थ सो मच दट नो प्राइस

और वो सामर्थ अवर लॉर्ड एंड अवर गॉड हमारे पिता और परमेश्वर थैंक यू फॉर दिसन फ्रॉम यूर वर्ल्ड हम धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत प्रकाशन के लिए तेरे वचन से लॉस्ट एंड अनवर्थी एंडिस ऑफ एनीथिंग गो। हाँ कि हम जो किसी भी बात के योग्य नहीं थे

एंजॉय दिस डे इस दिन का आनंद आप लें आमेन आमेन